वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल्ड एंड कफ की। अगर बेबी को कोल्ड एंड कफ हुआ है तो कौन सी होम रेमेडीज हम ट्राई कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट स्टार्टिंग में बेबी की इम्यून सिस्टम डेवलपिंग स्टेज में होती है, इसलिए कुछ भी नया उनको तुरंत से पकड़ लेता है, जैसे कि वेदर चेंज, वायरस, बैक्टीरिया या तो फिर एलर्जीज। तो ऐसे में अगर बेबी को कोल्ड एंड कफ हो चुका है तो हम कैसे एज अ पेरेंट उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी रामबान होम रेमेडीज है जो उन पे काम करेगी। तो सबसे पहली होम रेमेडी है वो है ब्रेस्ट फीड को मैं होम रेमेडी बोलूंगी नहीं, ये एक रामबान इलाज है जो उसको किसी भी चीज से ठीक कर सकता है। कोल्ड कफ ही नहीं, लेकिन कुछ भी हो गया है उसे, उसे डायरिया, लूज मोशन, फीवर, कुछ भी चीज हुई है, तो एक ही चीज है जो उसे ठीक कर सकती है, वो है ब्रेस्ट फीड। क्योंकि ब्रेस्ट फीड से बेबी को एंटीबॉडीज पास होती है जिससे उसको जो कुछ भी बीमारी हुई है उसमें उसको फाइट करने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। इसलिए हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा बेबी को ब्रेस्ट फीड दे, एक एक घंटे पे उसको ब्रेस्ट फीड दे जिससे वो जल्दी रिकवर करेगा। दूसरी होम रेमेडी है वो है मस्टर्ड ऑयल यानी कि राई का तेल, उसे हल्का सा गरम कर ले, उसके अंदर अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स और लहसुन यानी कि गार्लिक को हल्का सा भून ले। मेक श्योर करे कि उसे हमें जलाना नहीं है, तेल को गरम कर ले, फिर गैस बंद कर दे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर उसे बेबी के सोर पे, हाथों पे, नाखूनों पे, पैरों के सोर, नाखूनों पे, चेस्ट और बैक पे अच्छे से मसाज कर ले, फिर बेबी की बॉडी को कवर कर ले यानी कि उसको अच्छे से कपड़े पहना दे और हाथ और पैर में भी सॉक्स पहना दे, और मेक श्योर करे कि आधे घंटे से एक घंटे तक बेबी हवा के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए, इससे भी बेबी बहुत जल्दी से ठीक होगा। तीसरी होम रेमेडी है वो है अजवाइन की पोटली, जिसे कैसे बनाना है वो मैंने मेरे अगले वीडियो जो मैंने बनाया था गैस की होम रेमेडीज, उसमें मैंने ऑलरेडी उसका कैसे बनाना है वो मेथड शेयर करी दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो उस पोटली को आप तवे या इस्त्री पे गर्म कर ले, फिर बेबी के चेस्ट और बैक पे रखे, सेक देने से पहले पोटली को अपने रिस्ट पे चेक कर ले, टेम्परेचर आप बेयर कर सकते हो उतना ही रखना बेबी के लिए भी, और फिर बेबी पे सेक करना। और इसके साथ साथ आप चाहे तो ये जो अजवाइन है, अजवाइन के अंदर थोड़ा सा कपूर कूट के उसकी छोटी सी पोटली बना के बेबी के गले में भी बांध सकते हैं, इससे बेबी को ब्रीदिंग इश्यू कम होगा, उसकी अरोमा से बेबी का नाक बंद होगा और उसे ब्रीदिंग इश्यू नहीं होगा। वो जहाँ पे सो रहा है उस जगह पे भी आप बहुत सारी छोटी छोटी पोटली बना के या फिर एक बड़ी पोटली बना के भी रख सकते हो, इससे बेबी को बेबी का नाक बंद नहीं होगा। चौथी होम रेमेडी है वो है नोज सलाइन, तो वो कैसे बनाना है, तो पानी को उबाल ले, अच्छे से पानी को उबाल लीजिए जिससे उसके अंदर के बैक्टीरिया मर जाए, फिर उसके अंदर सॉल्ट डाल दे, फिर पानी जब ठंडा हो जाए तब उस पानी को ड्रॉपर की मदद से बेबी के नाक में डाले, इससे बेबी का नाक खुल जाएगा और बेबी अच्छे से फीड ले पाएगा। कई बार हम बोलते हैं कि बेबी को कोल्ड हो गया है और वो ब्रेस्ट फीड या फीड नहीं दे रहा है, तो वो इसकी वजह से नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसका नाक बंद होता है। तो ये नो सलाइन आप डाल दे जिससे बेबी का नाक खुल जाएगा और वो ब्रेस्ट फीड ले पाएगा। और ध्यान रखे कि इस प्रोसेस को आप ब्रेस्ट फीड के 15 मिनट के पहले दे जिससे उसका नाक खुला होगा और वो अच्छे से फीड ले पाएगा। और ध्यान रखे कि इस प्रोसेस को आप फीड के बाद ना करें क्योंकि उसमें उल्टी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट होम रेमेडी है वो है स्टीम। स्टीम बेबी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, उससे उसका म्यूकस पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि स्टीमर को गर्म कर लें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बेबी को अपने गोदी में रख के स्टीम दिलाएं, या तो फिर जो हमारा देसी मेथड है किसी भी पतीले या तो फिर पैन में पानी गर्म करके वो भी हम स्टीम बेबी को दे सकते हैं। बट ये दोनों ही मेथड थोड़ी सी रिस्की है, तो एक दूसरा भी मेथड है कि आप बाथरूम में गीजर ऑन कर दे, पानी को चालू कर दे, उससे जो गर्म एयर बाथरूम में बनेगा, और बाथरूम का दरवाजा बंद रखें 5 से 10 मिनट तक, इससे जो एयर बाथरूम में बनेगा वो भी बेबी के लिए स्टीम का ही काम करेगा। तो फिर वहां बेबी को 10 से 15 मिनट
जाके रख लेके जा सकते हो, वहां रहे आप 10 से 15 मिनट तक, इससे भी बेबी का नाक खुल जाएगा, उसका म्यूकस पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। इस होम रेमेडीज के साथ एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि जब बेबी को कोल्ड हुआ है तब कभी भी उसे फ्लैट ना सुलाए। फ्लैट सुलाने से उसको ब्रीदिंग में काफी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखें कि बेबी को आप फ्लैट ना सुलाए, उसका सिर थोड़ा ऊपर रख के उसे सिलाए तो उसे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपके पास कैरी कॉट है तो वो बेस्ट है। मुझे अच्छे से याद आता है थ्रू आउट रियांश को पहले से ही कोल्ड का बहुत प्रॉब्लम है, उससे डस्ट का एलर्जी था, वेदर चेंज होने से भी उसे तुरंत से सर्दी हो जाती थी, तो हम उसे हमेशा से कैरी, जब उसे कोल्ड हो जाता था तो हम उसे कैरी कॉट में ही सुलाना प्रिफर करते थे, जिससे उसका नाक बंद नहीं होता था और वो अच्छे से ब्रीद ले पाता। तो अगर आपके पास कैरी कॉट है तो बेबी को कैरी कॉट में ही सुलाए, या तो फिर अगर आपके पास कैरी कॉट नहीं है तो भी कुछ नहीं, आप उसे कुछ कपड़ा रख दे उसके सिर के नीचे, या तो फिर जो हेड ठीक करने के लिए जो राई का तकिया आता है आप उस पर भी बेबी को सुला सकते हो। बट ये चीज सिर्फ याद रखें कि बेबी को आप फ्लैट ना सुलाए। इसके अलावा अगर आपके बेबी 6 मंथ के ऊपर है तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, आप जो जो गर्म चीजें हैं, गर्म सूप, गर्म पानी, गर्म हल्दी वाला दूध बेबी को दे, इससे उसका म्यूकस पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। और गर्म पानी के साथ थोड़ा सा नींबू डाल के बेबी को 5 से 6 बार आप दे, इससे बेबी को खांसी है तो भी एक दिन में ही ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा आप बेबी को तुलसी और गुड़ का काढ़ा भी दे सकते हैं। तो ये था मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपके पास कुछ नई होम रेमेडीज या नया एक्सपीरियंस है तो उसे भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में दिए गए हुए बेल बटन को जरूर से हिट करें, जिससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।